मैं हूँ मोहम्मद तुरैत और मैं आपको आज के नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। तो गाइस, इतने दिनों बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। आई होप यू वुड लाइक दिस व्लॉग एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज मैंने वहाँ से 4 रियलिस्टिक डाईकास्ट मॉडल कार्स खरीदी, 132 स्केल मॉडल। मेरे 8,000 स्पेंट हो गए इन्हीं कार्स में। सिविक है, एक क्राउन है, एक करोला है और एक एकॉर्ड है। सिविक और एकॉर्ड ब्लैक कलर में है, करोला हमारी रेड कलर की है और क्राउन हमारी वाइट कलर की है। ये होंडा सिविक है, 2019 मॉडल, टाइप आर। सही है, अभी इसे अनबॉक्स करते हैं। फिर ये टोयोटा क्राउन है, ये आई गेस 2015 मॉडल है। ये टोयोटा करोला है, 2023 मॉडल है, लेटेस्ट है सबसे। ये क्राउन है, 2008 मॉडल है। अभी हम सब को अनबॉक्स करते हैं। पहले मैंने एक क्राउन उठा ली है, अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। भाई ये डाईकास्ट मॉडल मेटल की है या मटैल, हाँ ये मटैल की है। चेक करते हैं पीछे, डाईकास्ट मॉडल द गुड वेलकम गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रेन। इसके पीछे भाई एक टैकोमा बना हुआ ऐसा लग रहा है, बहुत खतरनाक सा। अनबॉक्स करते हैं इसे। वाओ यार, टोयोटा क्राउन, आप चेक कर, मैं जल्दी से इसे अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। आने के बाद कुछ ऐसी लग रही है गाड़ी। तो यार ये V6 पावर्ड है, क्राउन का जो आता है ओरिजिनल, 3500 सीसी वाला इंजन। और इसका ये ड्राइविंग साइड वाला डोर भी खुलता है, राइट हैंड साइड ड्राइव है। उसके पैसेंजर गेट्स तीनों खुलते हैं। उसके बाद इसकी ट्रंक भी खुलती है, ये चेक करो। ट्रंक स्पेस भी अच्छी खासी है। और बाकी पीछे इसकी डिटेल लिखी हुई है, यहाँ क्राउन लिखा हुआ है और यहाँ टोयोटा। इस साइड में यहाँ V6 लिखा हुआ है और ये पुल एंड बैक वाली कार है। फुल चेक करो, रियलिस्टिक है। 2000 रुपीज़ की ख़रीदी है। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बारी है इस होंडा एकॉर्ड की, जो कि यहाँ पर होंडा लिखा हुआ है। नाइस बॉक्स, ऊपर चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर होंडा एकॉर्ड लिखा हुआ है, फिर यहाँ होंडा लिखा हुआ, 132 स्किन मॉडल है। उसके बाद इन लोगों ने पता नहीं कुछ हाईलाइट वगैरह किया होंडा। पीछे इस मॉडल की फ़ोटो खड़ी है, ये 2012 मॉडल है। लेट्स अनबॉक्स इट। तो यार इसका बॉक्स हम लोगों ने खोल दिया, ये चेक करो। ये एकॉर्ड यार, ये जापानीज़ है। हाँ, जेडीएम, फुल जेडीएम स्टाइल कार है। इसको बाहर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बाहर निकाल ली है, बस उसका ये वाला प्लास्टिक खोलना रहता है। ये खुल गई गाड़ी, तो ये बाहर है। ये चेक करो, ब्लैक अलॉय और टाइट लग रही है। उसके बाद ये चेक करो, फुल फेंडर वगैरह रियलिस्टिक। तो यार ये हाँ जेडीएम कार है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है। और ये आई थिंक सो ये इसका वही 2800 सीसी वाला पेट्रोल इंजन के साथ। बाकी इसका पैसेंजर डोर खुल गया। इंटीरियर देखो रियलिस्टिक सा है। बाकी इसका ड्राइविंग हैंड साइड वाला डोर खुल गया। इंटीरियर चेक करो उसका कैसा है ये। बाकी इसके पीछे वाले दरवाजे नहीं खुल सकते, इसकी ट्रंक खोलते हैं। पर ट्रंक की अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन क्राउन से छोटी है। यहाँ पे एकॉर्ड लिखा हुआ है, जापानीज़ में पता नहीं क्या लिखा हुआ है। बाकी यहाँ होंडा का एक लोगो है। यहाँ पे 2.4 आईवीटेक है, ये 2400 सीसी है और ये एकॉर्ड लिखा हुआ है। अब बारी आती है हमारी टोयोटा करोला की, जो कि इस बॉक्स के अंदर है। यहाँ लिखा हुआ है न्यू मॉडल्स और पीछे सब कुछ लिखा हुआ है। पुल बैक एक्शन, लाइट अप इफेक्ट, साउंड इफेक्ट्स, डोर ओपन। तो आ जाओ इसको चेक करते हैं। बैटरी ऑपरेटेड है ये करोला। चेक करो, ब्लैक में इसकी टिंट हुई है। ये यार इसका कलर थोड़ा हल्का है, उतर रही है। न्यू मॉडल रैपिंग्स आती है ना ये, उसमें है। इसके ट्रंक चेक करो, अच्छी खासी स्पेस है, क्राउन से भी बड़ी डिक्की है। और फिर इसमें ये चारों दरवाजे खुलते हैं। ये भी लेफ्ट हैंड ड्राइव, इसका इंटीरियर चेक करो आप लोग। उसका रेयर साइड भी, ये फुल पैसेंजर साइड भी आप लोग चेक कर लो। अच्छी यार रूम स्पेस है। बाकी इसमें इसका यहाँ 1.8 सीसी इंजन है, CHE ZX है, 2023 मॉडल है, CHE में है।
और बाकी यार ये भी पुल एंड बैक वाली है, ये चेक करो फुल यार अच्छी चीज़ है 2000 रुपये में। अब पारी है किंग्स ऑफ कार इन पाकिस्तान होंडा सिविक टॉप मॉडल डाइकास्ट कलेक्शन की है ये, और ये मिनी ऑटो की है, और सबसे ज़्यादा यही अच्छी तरीके से डेकोरेट हुआ इसका बॉक्स और ये स्टैंड पे मिनी ऑटो के। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। यार ये वार्निंग भी देख लो, शॉकिंग हैजर्ड स्मॉल पार्ट्स नॉट फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल से छोटे बच्चों के हाथ में मत देना। अपने इस मिनी ऑटो के स्टैंड पे लगी हुई थी और मैं इसको स्टैंड से उतार चुका हूँ। ये देखो स्टैंड भी दिया, आप आराम से अपनी ओरिजिनल सिविक में भी रख सकते हो। तो यार ये VTI ओरियल नहीं है, ये है RS टाइप R है, RS टाइप भी नहीं है। तो इसकी ट्रंक खुलती है, बाकी ट्रंक में रूम स्पेस सबसे ज़्यादा इसकी है लिटरली। बाकी इसका ये जो ट्रंक के ऊपर डिवाइडर लगा है, हैशबैक तो नहीं है ये, एक कॉम्पैक्ट सेडान हम इसे कह सकते हैं। बाकी इसकी लाइट वगैरह इसकी सेल भी कहूँगे, यहाँ पे सिविक लिखा हुआ है, यहाँ होंडा का साइन है, यहाँ टाइप आर लिखा हुआ है और यहाँ प्लेट पे भी टाइप आर लिखा हुआ है। बाकी उफ उसका इंटीरियर चेक करो, लेकिन एकॉर्ड का जो था ना वो था भाई रियलिस्टिक, रेड सीट्स हैं, बेस्ट हो गया। बाकी इसको फ्रंट से चेक करो, फिर अभी साइड वाला जो रेड सीट टाइप आर की फुल फील आ रही है इसमें। इसका इंजन खोल के देखते हैं, टाइप आर है तो वो इसमें 2000 CC इंजन। ये देखो यार यहाँ होंडा भी लिखा हुआ है, बहुत डिटेल्ड गाड़ी है और यहाँ लोगो बना है। इसकी लाइट्स ब्लैक में टिंटेड हैं, ये भी पुल एंड बैक है। आज ये हैं हमारी 4 गाड़ियाँ, आई होप यू वुड लाइक इट, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपको इससे दराज का लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप अगर आपको ऑर्डर करनी हो तो आप कर सकें। 132 स्केल मॉडल है, लेकिन सिविक और करोला कुछ ऊंची है, बाकी क्राउन तो नीची है और एकॉर्ड भी, लेकिन मुझे ना ये मोटी लगनी है और ये थोड़ी पतली लग रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये 6 इंच लॉन्ग तो चाह रही हैं, बाकी ये ऐसे कोई 3 इंच है और लेकिन ये 2.5 इंच है, 5.5 का फर्क है, इसलिए थोड़ी आपको छोटी लगेंगी इन दोनों के मुकाबले। आज का ब्लॉग आई होप यू वुड लाइक दिस, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।